वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस सेशन में जो हम काफी दिनों के बाद आज जब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव एक बड़ा ही अनोखा और नया टॉपिक लेके आए हैं जो आज के समय में बहुत जरूरतमंद टॉपिक है। अनोखा इसलिए है क्योंकि पेंट इंडस्ट्री से बहुत दूर दूर तक इसका नाता नहीं था, बट बहुत नजदीक का नाता हो गया है और इसमें इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी पेंट इंडस्ट्री को। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम अपनी यूनिट्स को चला सकते हैं अपने यूनिट्स के अंदर, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट हमारे पास है। इसमें सिर्फ हमारे को कंप्लायंसेस की जरूरत है कि हमें क्या क्या चीजें गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट को हमें क्या क्या देनी है उसकी थोड़ी जानकारी हम लोगों को होनी बड़ी जरूरी है। सैनिटाइजर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ अभी इस वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको नॉलेज हो गई, लेकिन कुछ होता है कि नॉलेज होना और कुछ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज होना और कुछ होता है कि एक्सपर्ट नॉलेज होना। तो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव का आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में, एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के साथ में आज डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और हमें हेल्प आउट करने जा रहे हैं सैनिटाइजर बनाने के लिए। उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे बनेगा, फॉर्मुलेशन भी एक जनरल फॉर्मुलेशन भी गौरव जी आज शायद शेयर करेंगे और साथ में कंप्लायंस शेयर करेंगे कि हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एक इस सैनिटाइजर की इंडस्ट्री को लगाने के लिए। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आप हमारे को इतना ज्ञान दे रहे हो। ओवर टू गौरव श्रीवास्तव। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वुड लाइक शेयर टू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। मनीष जी, आप जरा शेयरिंग ओपन करेंगे क्या? शेयर ओपन नहीं है क्या? नहीं है सर, ओपन नहीं है ओपन सर। है, ओपन है। सर शेयरिंग पे लिख के आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। सर वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, मैंने किया वैसे। एक मिनट रुको सर। ओके ओके सॉरी, रुकिए। ओके ओके, अब आ गया सर, गौरव हाँ जी जी, आ अभी आ गया। गया। ओके सर, हाँ जी, अभी आ गया। अच्छा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक बार अपने आप को सभी म्यूट कर ले, क्योंकि सुनने का मजा तभी आएगा आप लोगों को जब कोई शोर नहीं होगा और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना चल रहा हो या बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी चीजें ना आ रही हो। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली म्यूट देमसेल्फ प्लीज। जी गौरव जी, सर एक मिनट, लेट मी चेक। आज कुछ शेयरिंग का सेटिंग इन्होंने चेंज किया हुआ है। ट्राई मैंने कीजिए आप। हटा दिया है होस्ट से, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ एडवांस शेयरिंग में जाके। हाँ सर, ऑल पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है सर, मेरा मेरा ओके सर। हो जाएगा। हुआ गौरव जी? जस्ट सर, मैं एक्चुअली वो दोबारा से साइन इन आज पहली बार मांग रहा है। जूम जो है ना, मेरी जी ड्राइव का साइन इन मांग रहा है, तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। Still there is some problem sharing. So again, बंद रहता है। यस मनीष जी, अभी आ रहा है, दिख रहा है?
सर दिख रहा है, दिख रहा है। आ गया, आ गया सर, आ गया। सॉरी फॉर वेटिंग यू सो लॉन्ग। कुछ आज जूम ने पहली बार कुछ गूगल ड्राइव का एसएस मांगा था। सो दिस टॉपिक इज कवरिंग हेल्थ सैनिटाइजर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द जनरल कंप्लायंसेस व्हिच इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द टेस्टिंग ऑफ दिस हैंड सैनिटाइजर्स। सो सो फर्स्ट व्हाट इज सैनिटाइजेशन? सैनिटाइजेशन क्या होता है? सैनिटाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जो हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, जो हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग इस सैनिटाइजेशन के दो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। क्लीनिंग में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का रिमूवल होता है। हम जब क्लीन करते हैं अपने सिस्टम को, देन इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीमेंट्स, डर्ट, डेबरिस, डस्ट एटसेट्रा। एंड डिसइंफेक्टिंग इज द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हायर कंसंट्रेशन व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सैनिटाइजेशन के अंदर फुल स्क्रीन कर लो सर एक बार। सर ये फुल स्क्रीन है, एक बार चेक कर लो सर एक बार। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा आपका, उसमें आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। सर आप प्रेजेंटेशन का रेशियो चेंज कर दीजिए, आ जाएगा स्क्रीन रेशियो। एक्चुअली ये डायरेक्ट गूगल ड्राइव से ओपन हुआ है, अर्लियर तो ऐसा नहीं होता था कभी भी। अच्छा, क्या स्क्रीन छोटी आ रही है क्या? थोड़ी सी आ रही है। नहीं बराबर है, बराबर है, बड़ी हो जाएगी। नाउ इट इज ओके। हां अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर, ठीक है सर अब। सो किसी भी सैनिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वन इज क्लीनिंग एंड अनदर वन इज डिसइंफेक्टिंग। डिसइंफेक्टिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सैनिटाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। किसी भी सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का जो हमारा गोल होता है या अल्टीमेट जिसे हम कहते हैं जो उद्देश्य होता है, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट का मेंटेनेंस होता है, कि हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं। और ये क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है या जो इस प्रोडक्ट की इंटेंसिटी होती है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं उसकी इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड होती है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो दोबारा से रिकंटामिनेशन की क्या कंडीशंस है उसकी, कि वो कितनी जल्दी दोबारा से रिकंटामिनेट हो सकता है। हेलो मनीष जी एक बार जरा सबको म्यूट कर दीजिएगा। ओके, सो द गोल ऑफ एनी सैनिटाइजेशन प्रोग्राम इज टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ रिकंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट आर द हैंड सैनिटाइजर्स? Hand sanitizers are generally a liquid, gel or foam products which decreases the infectious agents such as germs, pathogens, bacteria and some kind of viruses on the hands. So, jo hand sanitizers hote hain, wo kisi bhi tarike, wo liquid bhi ho sakta hai, gel form mein bhi ho sakta hai aur foam ke form mein bhi ho sakta hai. Aur uska ultimate use jo hai, wo aapke haath ke upar paaye jane wale germs, pathogens, bacteria aur कुछ तरीके के वायरसेस को मारने के लिए या उनकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए या उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले 1966 में मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अर्ली 1990s में जब सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाए, इसने अपनी पॉपुलैरिटी को पाया। जो डिफरेंट टर्म्स हैंड सैनिटाइजर के जो वो यूज होते हैं उनको हम हैंड एंटीसेप्टिक भी बोलते हैं, हैंड रब भी बोलते हैं, हैंड डिसइंफेक्टेंट्स भी बोलते हैं। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं हैंड सैनिटाइजर्स के लिए जो हम यूज करते हैं। नाउ हैंड सैनिटाइजर वर्सेस वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। जब भी तक हैंड सैनिटाइजर इतना पॉपुलर नहीं था मार्केट में या किसी भी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट में, उसके पहले जो था हम साबुन से और पानी से अपने हाथों को धोते थे। सो हैंड सैनिटाइजर और वॉशिंग विद सोप एंड वाटर के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं? तो ये इस स्लाइड के अंदर है कि हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले जो था वो मेडिकल फैसिलिटीज में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था
कि वहां पर इस बात को ध्यान में रखा गया कि हर समय पर क्लीनिंग जो है वो सोप और वाटर से फिजिबल नहीं होती थी, स्पेशली इन क्रिटिकल कंडीशंस जैसे ओटीज थे, आईआईसीयूज थे, जहां पर बार बार आपको हाथ क्लीन करना पड़ता था, तो अपने आप अपने हाथों को डिसइंफेक्टिंग करना पड़ता था, तो वहां पर इस तरीके की फिजिबिलिटी बार बार हाथ साबुन और वाटर से धोना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए वहां पर हैंड सैनिटाइजर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाए। मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी होते हैं, जो रिपीटेड हैंड वॉशिंग है उसके ऊपर बार बार हाथ पोंछने का जरूरत नहीं पड़ता है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो नॉर्मली हाथ से इवोपरेट हो जाते हैं, सो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है अपने हाथ को डिसइनफेक्ट करने का। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में सबसे अच्छा टॉलरेशन देते हैं या सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बट कुछ तरीके के जर्म्स होते हैं जिनको मारने में वो इफेक्टिव उतना नहीं रह जाते हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ इस तरीके के जर्म्स होते हैं जैसे ह्यूमन फिसेज में पाए जाने वाला क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है, जो फूड पॉइजनिंग या डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से क्लीन नहीं होता है क्योंकि ये सॉइलिंग में आता है। सो जनरली जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये जो हैंड सैनिटाइजर है वो हैंड एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंड इट इज प्रूवन दैट बेटर टॉलरेटेड देन क्लीनिंग विद वाटर एंड सोप। हैंड सैनिटाइजर का एप्लीकेशन हम इसलिए करते हैं हाथों पर जो कॉमन पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो हाथ से खत्म हो जाए। नाउ इनका यूज उसी जगह पर रिकमेंडेड है जहां पर कि आप बार बार साबुन और पानी से अपने हाथ को धो नहीं सकते हो, या बार बार साबुन या पानी से हाथ धोने पर जो स्किन के ऊपर नेचुरल ऑयल बैरियर होता है उसका उसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज आता है, या जो आपकी स्किन का नेचुरल जो मॉइस्चर है वो खत्म होने का डर रहता है, क्योंकि अगर नेचुरल मॉइस्चर खत्म होगा तो वो स्केलिंग या फिशर आपकी स्किन में जनरेट करेगा। सो बहुत सारे अर्ली 90s के पहले जो सोप्स एंड सोप्स आते थे उसमें बहुत सारे एल्कली कंटेंट होता था जो स्किन के ऊपर अपना एडवर्स इफेक्ट डालता था, तो वहां पर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स को प्रमोट किया गया मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर। नाउ दिस इज द सैनिटाइजर मैकेनिज्म विद सोप एंड वाटर। सो नॉर्मली सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो जब भी डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक पोलर ग्रुप होता है और एक नॉन पोलर चेन होती है। सो जो नॉन पोलर चेन होती है वो डर्ट के साथ में अटैच हो जाती है और जो पोलर ग्रुप होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसकी वजह से जो डर्ट है वो आपकी स्किन से लिफ्ट होकर के चली जाती है। सो जो डर्ट के अंदर बैक्टीरिया या जो आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो जो सोप के मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक मिसल जैसा फॉर्मेशन हो जाता है और वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। जब ये वो वॉश ऑफ हो जाते हैं तो आपका हाथ क्लीन हो जाता है। नाउ सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म जो हैंड सैनिटाइजर का है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जब ये अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एंगल, सेकेंड वन इज डिफ्यूजन कोफिशियंट, थर्ड वन इज विस्कोसिटी। सो डिफ्यूजन डिस्टेंस कितना है, डिफ्यूजन की स्पीड कैसी है और उनका कन्वेक्शन कैसा है, मतलब वो कितनी जल्दी ये अपने आप को, कितनी जल्दी आपका जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो उसको कितनी जल्दी खत्म कर रहा है, वो ये इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके हाथों में जर्म्स या बैक्टीरिया या किसी तरीके के पैथोजन होते हैं उनके ऊपर दो तरीके की लेयर होती है, एक सेलाइन लेयर होती है और एक म्यूकस लेयर होती है। तो म्यूकस लेयर और सेलाइन लेयर के ऊपर दोनों के ऊपर डिफरेंट तरीके से एथेनॉल बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। जैसा कि बी जो पिक्चर है उसके अंदर दिखाया गया है कि ये सेलाइन के अंदर जो पैथोजन है वो सेलाइन और म्यूकस के अंदर है, इनकैप्सुलेटेड है। सो जो जब भी आप फर्स्ट टाइम पे कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करते हैं जिसका कंसंट्रेशन मोर देन 80% होता है, 60% to 80% जनरली होता है, तो वो क्या करता है फर्स्ट टाइम में, वो जो डिफ्यूजन कोफिशियंट है वो सेलाइन वाटर का ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से वो वहां पर एक्टिवेशन फास्ट करता है। वेयर एज इन केस ऑफ जो म्यूकस होता है, म्यूकस के अंदर वो उतना इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है फर्स्ट टाइम में 30 सेकेंड्स के अंदर, तो वो वहां पर कुछ एक पैथोजन सर्वाइव कर जाते हैं।
वही जब वो पैथोजन सर्वाइव कर जाते हैं और आपका हाथ एयर ड्राई हो जाता है एंड देन आप अगेन उसको जब भी फिर से यूज करते हैं तो वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है क्योंकि अब म्यूकस की लेयर है वो ब्रेक हो चुकी होती है। नाउ टाइप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर, जनरली जो हैंड सैनिटाइजर से उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स जिसमें जो बेस होता है वो अल्कोहल होता है, सेकेंड वन इज अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर। अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर के अंदर जो बेस होता है, जो कैरियर होता है, वो जनरली वाटर होता है, डीएम वाटर होता है। तो अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए जाते हैं, एक है डिसइंफेक्टेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट बेस जो कि केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, सेकेंड वन इज इसेंशियल ऑयल बेस। इसेंशियल ऑयल बेस जो हमारे जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उनके या तो ऑयल्स होते हैं या नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उन पर बेस होते हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अल्कोहल्स का जो यूज है वो 13-14 सेंचुरी से एज एंटीसेप्टिक किया जाता है, पर उनकी एंटी माइक्रोबियल या एंटी वायरल एक्टिविटी जो है उसके एविडेंसेस जो लाइट में आए थे या हम लोगों के सामने जो हम पाए, हम लोगों ने देखा था, वो लेट 18 सेंचुरी में हम लोगों को देखने को मिला था कि इसकी कुछ एंटी माइक्रोबियल या एंटी वायरल एक्टिविटी के एविडेंसेस मिले थे। एंटीसेप्टिक्स के जैसा अल्कोहल्स को बहुत सालों से यूज किया जाता है, इवन बहुत मैं बोलूंगा सेंचुरी से यूज किया जाता है। अल्कोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जनरली 60-95% अल्कोहल होता है। यूजुअली इसके अंदर इथेनॉल होगा, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या एन प्रोपेनॉल होता है, या इनका कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन में। नॉर्मली जो नॉर्मल जनरल यूज के लिए जो अल्कोहल्स आते हैं, जो मेडिकल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज में नहीं सप्लाई किए जाते हैं, वो जनरली इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल के कॉम्बिनेशन पर बेस होते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज में सप्लाई किए जाते हैं उसमें अंदर आइसोप्रोपेनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इथेनॉल का कंसंट्रेशन कम होता है, ये जनरली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। हम एंटीवायरल जो इनकी एक्टिविटी है उसके एविडेंसेस हमको इसलिए मिले क्योंकि 60-90% के बीच में जब अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है तो अल्कोहल्स का एक नेचर होता है कि जो प्रोटीन होता है वो उसको इमीडिएटली डीनेचर्ड कर देता है, यानी उनका जो ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड है जो आपका वायरल वायरस के ऊपर है या आपके किसी भी तरीके के माइक्रोबियल्स के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स की जो एक लेयर होती है उस लेयर को डिसॉल्व कर लेता है, और जैसे वो लेयर डिसॉल्व होती है तो उसके अंदर के लिए जो उनको फिर उनको वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर्स का जो जब हमने जो स्टडीज आई या अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर जब भी वर्क आया तो वो लेट 19 सेंचुरी में आया था। इन प्रोडक्ट्स का कुछ एसोसिएटिव एडवांटेज था ओवर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स फॉर कॉमन पैथोजेंस इन जनरल लाइफ स्टाइल। जनरल लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है कि अदर देन मेडिकल फैसिलिटीज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करने से स्किन के ऊपर स्किन से रिलेटेड इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे, जिसकी वजह से फिर अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया गया था। तो उनके कुछ एसोसिएटिव एडवांटेज थे, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके आए थे कॉमन पैथोजेंस के ऊपर। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली सिंथेसाइज केमिकल प्रोडक्ट्स पे बेस होते हैं जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में डिसइंफेक्टेंट्स या एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हो गए, BAC बेंजल कोलियम क्लोराइड हो गया, ट्राइक्लोसैन हो गया, क्लोरोहेक्सिडाइन हो गया, दीज आर सम कॉमन एंटी माइक्रोबियल्स और डिसइंफेक्टेंट्स। इसमें नियासिनामाइड भी आता है, सम टर्पिनॉइड्स भी आते हैं। ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड देन फर्दर इनको यूज किया जाता है। इनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर बहुत इफेक्टिव होते हैं। जो इसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं या इसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, इनका दूसरा नाम ग्रीन प्रोडक्ट्स भी है क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई सिंथेसाइज केमिकल नहीं होता है। ये नॉर्मली जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं या तो उनसे बनाया जाता है या जो इसेंशियल ऑयल निकलता है उससे बनाया जाता है। जितने भी इसेंशियल ऑयल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं,
डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जिन्हें ही आइडेंटिफाई करके हमने फर्दर जो है अपने लिए केमिकली सिंथेसाइज किया था. सो हर इसेंशियल ऑयल के अंदर नेचुरली कुछ डिसइंफेक्टेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो कि पैथोजेंस की डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं. सो जब हम इसेंशियल ऑयल बेस या ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर सिंगल इसेंशियल ऑयल को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल्स को यूज करते हैं. और एंड इसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स का धीरे धीरे मींस अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो आपका केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स हैं उनमें से भी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें WHO ने या सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया है. उनके कुछ डिफरेंट उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन लाइफ साइकिल के ऊपर पाए गए हैं. सो अगर इसेंशियल ऑयल बेस या नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जाते हैं तो इनका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सो नाउ देयर आर सम सेफ्टी कंसर्न्स व्हाइल यू आर मैन्युफैक्चरिंग और यूजिंग अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट और अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन सिंथेटिक केमिकल्स. ग्रीन प्रोडक्ट्स के केस में या जो नेचुरल ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनके केस में किसी भी तरीके का कोई इश्यू अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया. सो जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर WHO है या US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन है, इंडिया के अंदर जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनके हिसाब से जो सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं वो क्या है कि अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट फ्लेमेबिलिटी सबसे मेन कंसर्न होता है. सेकंड कंसर्न है अनइंटेंशनल इंजेशन, मतलब किसी भी बच्चे ने इसको अनइंटेंशनली पी लिया तो क्या होगा. थर्ड वन इज इंटेंशनल इंजेशन, जो एडल्ट्स हैं अल्कोहल की जगह पर अगर इसको वो कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है. देन रिस्क ऑफ फायर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पैरामीटर्स चाहिए, एंड स्किन रिहाइड्रेशन, क्योंकि जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें जैसे जैसे अल्कोहल का कंटेंट बढ़ता है और अगर आप कोई भी इमोलिएंट यूज नहीं करते हैं या एनाइनमेंट यूज नहीं करते हैं तो स्किन डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो ये कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं जो WHO एंड USCDC ने जो इसके लिए सेफ्टी कंसर्न्स दिए थे. देन अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स जो वाटर बेस्ड तो हैं बट उनके अंदर सिंथेटिक केमिकल्स यूज किए गए हैं, सच एज उनके अंदर क्या है जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं वो क्योंकि डायरेक्ट डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं या एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं तो हो सकता है कि अगर उनका बहुत ज्यादा रेगुलर यूज करें तो आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए माइक्रोब्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर की जो रेजिस्टिविटी डेवलपमेंट है जो नेचुरल रेजिस्टिविटी हमें मिलती है उसके डेवलपमेंट में हो सकता है कि कुछ इश्यूज आए. ये सारे इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं, इनके ऊपर डिफरेंट पेटेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं. देन हेल्थ इश्यूज ड्यू टू सम केमिकल्स, जैसा मैंने पहले डिस्कशन किया था कि कुछ एक केमिकल्स ऐसे हैं जिनका कुछ हेल्थ इश्यू भी है. एंड एनवायरमेंटल कंटामिनेशन इज अनदर वन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एज वेल एज व्हेन यू आर यूजिंग, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी एक इसका मेन कंसर्न है. सो तो एजेंसीज जैसे WHO है या US की डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स को अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर के ऊपर ज्यादा प्रमोट करती है. उसके दो रीजंस हैं, पहला तो इसके जितने भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं उन सबका टेक केयर किया जा सकता है. सेकंड वन जो जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनमें जो एक कॉमन फॉर्मुलेशन है उस कॉमन फॉर्मुलेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजिली अवेलेबल होते हैं. सो अगर कभी भी किसी जगह पर बल्क प्रोडक्शन करना हो, जैसे इस आज हम पैंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं इसके ऊपर से, वो इसी वजह से हटा दिए हैं क्योंकि अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट हो सकता है. बट WHO या डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन जो है इसकी किसी भी तरीके का कोई एडवर्स गाइडलाइन जो है इसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है. इसेंशियल बेस्ड ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है. ये प्रोडक्ट्स बहुत किसी भी तरीके के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डेवलपमेंट इस सब में इंटरफेयर नहीं करते हैं. सो उनके लिए उनका ग्रीन फ्लैग है. देर आर सर्टन रिसर्च विच इंडिकेट्स दैट कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो रेजिस्टिविटी डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल के लिए जो है वो एडवर्स इफेक्ट देते हैं या उनकी स्टेबिलिटी में इंटरफेयर कर सकते हैं. एंड देर आर सिग्निफिकेंट
significant research are available that they contribute in the development of antimicrobial resistance. So agar antimicrobes ke andar aapke product ke against mein resistance develop ho jayega, to fir wo aap jo particular product hai ya jo particular disinfectant hai ya jo medicinal product aap uske andar use kar rahe hain, wo product jo hai wo further us microbe ke upar effective nahi reh jayega. So ye ek bahut bada concern hai. In 2014 European Union ki authorities ne triclosan aur is tarike ke kuch products ka consumer products ke andar जो यूज था उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उसकी उन्होंने एक गाइडलाइन पास ऑन करी है, क्योंकि उनके पास कई सारे कंसर्न्स विद एविडेंसेस आए थे कि ये रेजिस्टेंस डेवलपमेंट में हेल्प करता है. नाउ देयर आर सर्टेन हिडन डेंजर्स आल्सो इफ यू आर नॉट केयरफुली सेलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स. जब आप हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं और जो हैंड सैनिटाइजर के अंदर इंग्रेडिएंट हैं, अगर उनको आप केयरफुली सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टडी नहीं करते हैं, तो उससे आगे आने वाले जो छुपे हुए खतरे हैं वो क्या हो सकते हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, हार्मोन डिसरप्शन हो सकता है, आपका जो वीकर जो इम्यून सिस्टम आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो आप बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं. सम टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कुछ सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस हैं जो स्किन एलर्जीज जनरेट करती हैं, अगर उनको केयरफुली सेलेक्ट नहीं किया गया. कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इस तरीके के टॉक्सिसिटी रखते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग, स्किन डिहाइड्रेशन, देन स्किन डिजीजेस ऑल्सो सच एज स्केलिंग, फिशर्स और एलर्जीज. नाउअडेज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्किन स्केलिंग in many of the persons due to excess use of hand sanitizers, especially alcohol based hand sanitizers. So now ingredients kya kya hote hain hand sanitizer formulation ke. Hand sanitizer formulation ki sabse easy guidelines hai wo WHO ne abhi publish ki thi, and I hope wo kai sare newspapers mein articles mein sabhi jagah pe publish hua. Uske andar unhone prescribe kiya कि आप 70% मिनिमम 70% अल्कोहल अपने सिस्टम में रखेंगे, और उन्होंने उसके साथ में एज अ सिक्वेटरिंग एजेंट जो था वो उन्होंने हाइड्रोजन परोक्साइड को इंट्रोड्यूस किया, एंड एज एन इमोलियंट्स उन्होंने उसके अंदर आपका जो ग्लाइकॉल्स थे उसको डाला, एंड देन फर्दर उसके अंदर जो मेकअप था वो वाटर से किया गया. और इस तरीके से उन्होंने जो सबसे इजी हैंड सैनिटाइजर का फॉर्मुलेशन था वो मार्केट के लिए दिया, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हैंड सैनिटाइजर की डिमांड 2000 टाइम्स बढ़ चुकी है रफली. तो इस कंडीशन में जो नॉर्मली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं उनके संग कोप अप करने के लिए या सस्ता हैंड सैनिटाइजर सभी लोगों को अवेलेबल हो सके, उसके लिए WHO ने अपनी एक गाइडलाइन दी थी कि आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल या इथेनॉल का 65% टू 80% आप यूज करिए फॉर्मुलेशन के अंदर. देन फर्दर उसके अंदर जो उनकी तरफ से गाइडलाइन थी जो पीजी या डीईजी ये जो प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने, या ग्लिसरीन जो ग्लिसरीन ग्लिसरॉल प्रोडक्ट्स जो थे वो उन्होंने उसमें बोला कि 1.5% के अराउंड रहना चाहिए. देन फर्दर उन्होंने बताया कि जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं वो 0.125% होना चाहिए उसके अंदर. ये अंदर जो पूरा फॉर्मुलेशन है उसका मेकअप करने के लिए उन्होंने डीएम वाटर का यूज बोला कि डीएम वाटर को यूज करिए. इस तरीके से एक जनरल उन्होंने हैंड सैनिटाइजर का गाइडलाइन फॉर्मुलेशन दिया था. जो जनरल गाइडलाइन फॉर्मुलेशन उन्होंने दिया था उस पर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मुलेशंस अब आज के टाइम में बहुत सारे लोग बना रहे हैं. सो नाउ जो आप इन जनरल ये जो जनरल हैंड सैनिटाइजर है इसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. आपने हिकड़ का है ना, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, आपने मेरी स्लाइड शेयर भी खत्म हो गया, आपने अपने स्क्रीन शेयर कर दिया लग रहा है. नहीं सर, आपका पूरी स्क्रीन आ रही है सर, मतलब आपका सर मुझे ही नहीं नजर आ रही है मेरी स्क्रीन.
आपकी स्क्रीन नजर आ रही है इंटीग्रेंट फॉर हैंड साइड फॉर्मुलेशंस? सर पर मुझे मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आप मुझे पेंट विजन की स्क्रीन नजर आ रही है। मैंने तो कोई स्क्रीन शेयर ही नहीं की। आपने उस पे क्लिक किया होगा सर, तभी आ रहा होगा वो उनकी स्क्रीन पे, पेंट विजन की स्क्रीन पे। अपने स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगा वो। नहीं नहीं सर, मनीष जी ने स्क्रीन लगा दी है, अपनी लगाई है उन्होंने। अरे दादा नहीं लगाई मैंने अपनी स्क्रीन, ये कुछ यहाँ तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो हैंड सैनिटाइजर का ही आ रहा है सर, अल्कोहल वाला वही आ रहा है यहाँ तो ठीक है। हमारे पास में आपका डॉक्टर साहब आपका स्क्रीन दिख रहा है। मैं डॉक्टर साहब इसको स्टॉप करके दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा आइए आप, अब दोबारा शेयर कीजिए आप। ठीक है मैं दोबारा शेयर करता हूँ। सर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो वॉल्यूम है उसको म्यूट ही कर रखे प्लीज। गौरव जी क्या हुआ? सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पर ये ले नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, इट इज नॉट टेकिंग माय स्क्रीन। सर ये हैक हो जाती है ऐसा कुछ है लगता है मुझे, क्योंकि ये कोई ना कोई छेड़खानी बीच में हो जाती है किसी से थ्रू, हमें इतना अंदाजा नहीं है शायद, तो कोई ना कोई छेड़खानी करके निकल जाते होंगे। हमारी पेंट इंडस्ट्री में शरारती बालक भी तो काफी हैं। सर एक काम करता हूँ मैं इसमें वापस से लौट करके आता हूँ। मैं एक बार अपने आप को लीव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिंक के संग किसी ने छेड़छाड़ किया है। आप करो सर एक बार। हाँ मैं वापस आता हूँ एक मिनट। जी जी हाँ जी डॉक्टर साहब। वो कौन सा प्लीज अपना वॉइस म्यूट ही रखें। यस म्यूट अभी हो गया, म्यूट म्यूट हो गया अभी कर रहा हूँ मैं, म्यूट कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ। आपका म्यूट है सर अब मुकुंद सर। गौरव जी हाँ सर मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेट मी चेक अगेन। वो अपलोड सर? हाँ हो रहा है सर। Yes. अब आया बिल्कुल एक्यूरेट सर। यस अब बिल्कुल एक्यूरेट आया सर। अब ओके आपने शायद अब किसी और डिवाइस से साइन इन किया है? नहीं नहीं मैं तो सेम ही डिवाइस से साइन इन हूँ सर। अब बहुत सही आया सर, बिल्कुल सही आ गया। सो हमारा इससे आगे था सर, हमारा डिस्कशन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चल रहा था। जी जी जी। सो देखिए जैसा कि WHO ने एक बहुत जनरल गाइडलाइन फॉर्मुलेशन दिया था, उस जनरल गाइडलाइन फॉर्मुलेशन के बेसिस पर आज के टाइम की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कि हर आदमी को हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल हो जाए, उसके ऊपर उन्होंने ये एक फॉर्मुलेशन दिया था। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन और आइडियल फॉर्मुलेशन वी कैन से विच इज गुड फॉर हैंड हेल्थ, मीन्स स्किन हेल्थ के लिए अच्छा ये फॉर्मुलेशन नहीं है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है। जब स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है बार बार यूज करने से तो वहां पर स्केलिंग, फिशर्स, स्किन में क्रैक्स, वाइटनेस, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं। और हुआ क्या कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो यहाँ पर एज अ सिक्वेटरिंग एजेंट के जैसा काम करता है,
क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है वाटर के लिए. अगर 70% 75% अल्कोहल है वाटर के अंदर तो वो अपने आप ही प्रिजर्व रहेगा वाटर के अंदर, किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होने पाएगा. बट हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम क्या होता है, जो आप जब वाटर डाल रहे होते हैं तो उस वाटर का जो के अंदर जो इटसेल्फ, सपोज आपने डीएम वाटर लिया बट फिर भी उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं रखे रहने की वजह से, तो वो जो माइक्रोब्स है उनको किल करने का काम करता है. बट हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है. सो अगर इसका किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ये जो कंसंट्रेशन है ये स्किन को ब्लीच करने का काम स्टार्ट कर देता है. सो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको किसी तरीके का स्किन के ऊपर कुछ भी दिखाई ना पड़े एडवर्स इफेक्ट, बट अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज होता रहेगा इस हैंड सैनिटाइजर का तो उसका इफेक्ट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा. एक्चुअली WHO ने ये जो फॉर्मुलेशन दिया था, ये फॉर्मुलेशन उन्होंने यूज करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए स्पेशली ये फॉर्मुलेशन ज्यादा यूज करने के लिए बोला था. क्यों? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो जनरली हाथों में ग्लव्स पहने रहते हैं. सो ग्लव्स की वजह से अल्कोहल जो है वो आपके डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, या ग्लव्स के साथ मतलब आपकी स्किन के साथ में किसी भी प्रोडक्ट का रिएक्शन नहीं हो पाता है. बट वेयर एज क्योंकि अब यही सेम फॉर्मुलेशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो नॉर्मली बना करके देने लगी है, तो इस केस में क्या है, अगर घर पर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज बाद में आपको फेस करने पड़ सकते हैं. सो जब तक आप घरों में हैं तब तक आप हैंड सैनिटाइजर का यूज कम से कम करिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप सोप के साथ में, अच्छे मॉइस्चराइजर वाले सोप के साथ में जिसका ग्लिसरीन कंटेंट ज्यादा हो उसके साथ में आप अपने हाथों को वॉश करें. वॉशिंग इज ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर एट होम. सो नाउ अगर मैं अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो आपको ये जो जनरल फॉर्मुलेशन है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है तो इसे कैरी करना आसान नहीं होता है. सो इसको कैरी आसानी से करने के लिए इसके अंदर रियोलॉजी एडिटिव बनाए डाले जाते हैं. जैसे रियोलॉजी एडिटिव्स के अंदर कुछ फार्मा ग्रेड की फ्यूम सिलिका होती है, देन आपके कुछ सेलुलोसिक थिकनर्स होते हैं, कुछ एक्रिलिक थिकनर्स भी आते हैं, देन आपके डिफरेंट तरीके के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बोमर्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं जो विस्कोसिटी को डेवलप करने का काम करते हैं. नाउअडेज कुछ ऑर्गेनोक्लेज भी हैं जो रियोलॉजी एडिटिव का काम करती हैं, जो सस्पेंशन को मेंटेन करके रखती हैं. सो रियोलॉजी एडिटिव जनरल पर्पज जो हैंड सैनिटाइजर्स है उसके अंदर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसको कैरी करना यूज करना आसान हो जाए. सिक्वेटरिंग एजेंट्स जो होते हैं, सिक्वेटरिंग एजेंट्स एक्चुअली क्या होता है, जब आप वाटर यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं. वो सॉल्ट्स जो हैं, जो फर्दर अगर आप किसी और तरीके का जो आप क्या अगर किसी तरीके का डिसइंफेक्टेंट कंपाउंड या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, आयन फॉर्म्स में होते हैं. तो वो आयन हो सकता है उस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर जाए और उनकी जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस करें. तो इसके लिए सिक्वेटरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जो कि वाटर को सॉफ्ट करने का काम करते हैं. प्रिजर्वेटिव्स का यूज जनरली वाटर बेस्ड जो आपका अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर है उसके अंदर किया जाता है. एंड इसमें नेचुरल ऑयल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. नेचुरल ऑयल्स के अंदर जैसे विटामिन ई है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, लौंग का तेल है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, देन आपका सिनेमन ऑयल है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है. एलेंटोइंस या इमोलियंट्स जो है ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं. तो इनको आपको अपने सिस्टम के अंदर जरूर डालना चाहिए. बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं. देन फर्दर ऑन जैसे ग्लिसरीन है वो बहुत अच्छा एनाइंटेन का काम करता है या इमोलियंट का काम करता है. इस तरीके के बहुत सारे सॉर्बिटेट प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं. देन फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि जब आप अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, और स्पेशली जब आप उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला देते हैं तो उसकी स्मेल थोड़ी और खराब हो जाती है. तो उससे बचने के लिए उसके अंदर कुछ फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है, पर फ्रेग्रेंसेस को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सी फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जो स्किन एलर्जी भी देती हैं. कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर्स का यूज करते हैं. जो फूड ग्रेड डाइज हैं वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल या डिसइंफेक्टेंट कंपाउंड, जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत सारे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं एंटी माइक्रोबियल या डिसइंफेक्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे क्लोरोहेक्साडाइन है, नियासिनामाइड है, या आपका थाइमॉल है, क्लोरोथाइमॉल्स हैं, BAC हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट के काम करते हैं. इसेंशियल ऑयल्स ऑलमोस्ट हर तरीके के इसेंशियल ऑयल के अंदर कुछ ना कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो टर्मरिक ऑयल हो, पाइन ऑयल हो,
आपका पिपरमिंट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, थाइम ऑयल हो, ऑर्गेनम ऑयल हो, किसी भी तरीके का ऑयल हो, उसके अंदर सर्टेन पैथोजेंस के अगेंस्ट में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, वो उसको खत्म करने का काम करते हैं। सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप वाटर और ऑयल का इमल्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो सर्फेक्टेंट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर एपीओ फ्री सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। विटामिन्स स्किन नॉरिशमेंट के लिए यूज किया जाता है, और विटामिन्स प्रिजर्वेटिव्स के जैसा भी काम करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ई ए ये जो है वो आपका प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, स्किन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। सिट्रोल ऑयल के अंदर पाए जाने वाले विटामिन जो है वो भी इसी तरीके का करते हैं। सो दिस इज द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर फॉर्मुलेशन। जनरली जितने इसेंशियल ऑयल होते हैं इनका कंसंट्रेशन जो है वो समवेयर अराउंड 2-5% होता है ऑल टुगेदर इन अ फॉर्मुलेशन। वेयर एज जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट का जो रिकमेंडेशन है वो 0.3% से 1% के बीच में होता है। विटामिन्स जो होते हैं वो 0.05% के अंदर रहते हैं। फ्रेग्रेंसेस जो है अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये ऑयल सी फ्रेग्रेंस का काम करेंगे, आपको ऊपर से कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डालने की जरूरत नहीं है। कलर्स इसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कलर्स अपने आप होते हैं, बट अगर आप कलर यूज करना चाहते हैं जो फूड ग्रेड की जो डायरेक्ट फूड कॉन्टेक्ट के लिए जो डाइज ट्रांसपेरेंट डाइज होती है वो आप यूज कर सकते हैं। रियोलॉजी एडिटिव्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि फ्यूम सिलिका होती है, आपका ऑर्गेनो क्ले होती है, देन आपके कास होते हैं, कुछ एक्रेलिक पॉलीमर्स होते हैं, कुछ सेलुलोसिक थिकनर्स होते हैं। इनका जो इनकी जो डोजेस है वो रियोलॉजी डिपेंडेंट होती है कि आपको कितनी रियोलॉजी चाहिए, किस तरीके की रियोलॉजी चाहिए। आपको काइनेटिक विस्कोसिटी रिड्यूस करनी है, आपको डायनामिक विस्कोसिटी देनी है, आपको स्यूडो विस्कोसिटी देनी है, किस तरीके की विस्कोसिटी देनी है, इसके ऊपर इन प्रोडक्ट्स की डोजेस डिपेंड करती है। नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स की डोजेस 1% से लेकर के 3% के बीच में होती है। इमोलियंट्स या एलेंटोइंस जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को स्मूथ रखने का काम करते हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। इनकी जो डोजेस होती हैं वो बिलो 1% रहती है फॉर्मुलेशन के अंदर। जनरली प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो अगर आप इसेंशियल ऑयल बेस बनाते हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कैम्फर इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव फॉर दैट, सो आप कैम्फर का यूज कर सकते हैं। इस सिक्वेटरिंग एजेंट्स के अंदर सोडियम साइट्रेट जो है या जो सिट्रल ऑयल है वो बहुत अच्छा स्क्वेटरिंग एजेंट का काम करता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो स्क्वेटरिंग एजेंट होता है उसकी डोजेस थोड़ी सी हाई होती हैं, वो समवेयर अराउंड 1-1.5 or 2% के बीच में यूज किया जाता है, डिपेंडेंट अपॉन द द आयन कंटेंट इन द वॉटर। सो नाउ वी आर कमिंग टू द टेस्टिंग एंड लीगल कंप्लाइंसेस, की टेस्टिंग और लीगल कंप्लाइंसेस क्या क्या है इनके। सो जैसी कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी है हैंड सैनिटाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड अकॉर्डेंस विद डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को देखते हुए इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया गया था 2 अप्रैल को, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री को एक इंस्ट्रक्शन भेजा गया था कि जितने भी लाइसेंस ड्रग लाइसेंस हैं या सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जाए, एंड 7 days to 15 days की उन्होंने एक टाइम लिमिट डिसाइड की है कि आपको अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो विद इन 7 days to 15 days आपको लाइसेंस मिल जाए। हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए ड्रग लाइसेंस मैंडेटरी है। Nowadays it is there is a little bit relaxation in that, but still you require a drug license for this manufacturing of hand sanitizer. क्योंकि drug hand sanitizer जो है ये over the counter drug category में आता है, तो आप इसको आगे drug license के बिना नहीं बना सकते हैं। और इसका जो legal compliance है वो 1942 या 1945 के drug and cosmetic act के अंदर आता है। नाउ अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो जो दो स्टैंडर्ड्स हैं BIS 4117 एंड BIS 1061, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में किए जाते हैं, और वायरस के अगेंस्ट में कोई भी ट्रेन्ड प्रोफेशनल पर्सन, कोई भी माइक्रोबियल लेबोरेटरी का जो जो पर्सन है वो इसके जो वायरस एक्टिविटी है वो अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंडर में किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली
जो वायरस के अगेंस्ट में है, क्योंकि हम ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपिड्स, इसका डिसोल्यूशन चेक करते हैं, क्योंकि जैसे ये डिसॉल्व होगा वैसे वायरस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, या वो वायरस अपना जो कलर है वो खत्म कर देता है। जो वायरस का आइडेंटिफिकेशन है वो तो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी के अंदर किया जाता है। जनरली जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है या जो है, या जो एंटी माइक्रोब्स का या पैथोजेंस का जो टेस्ट है, वो कल्चर टेस्टिंग के थ्रू किया जाता है। इसके अंदर 24 आवर्स टू 72 आवर्स कल्चर टेस्टिंग के अंदर लगते हैं, और ये केमिकल या पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के एनालिस्ट जो है वो इसको चेक करते हैं। ये जो टेस्टिंग होती है बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगी के केस में होती है, बट वायरस के केस में जनरली ये जो टेस्टिंग होती है वो इंफ्रारेड सेंसर्स एंड हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंडर में होती है। HRTEM एक ऐसी ही हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके अंडर में वायरस की जो एक्टिविटी है उसको देखा जाता है। दिस इज हाउ टू अप्लाई हैंड सैनिटाइजर, बहुत सारे पब्लिकेशंस में आया हुआ है, बहुत सारे पेपर्स न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ है। सो आई थॉट कि हमें मुझे भी इसको एक प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड देना चाहिए था। सो दिस इज वेरी सिंपल 6-step प्रोसेस। आप जो आपका सैनिटाइजर है उसको इतना सैनिटाइजर अपने हाथ में लीजिए कि वो कम्प्लीटली कवर करे दोनों हैंड को, दोनों पाम को पहले रब करिए, उसके बाद फिर दोनों पाम से दोनों हाथों को रब करिए, देन फिर फिंगर नेल्स को रब करिए, बिटवीन द फिंगर्स नेल करिए, और तब तक उसको रब करिए जब तक कि आपका हाथ पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। आप टॉवल से अपने हाथ को ड्राई मत करिए, क्योंकि अगर आप टॉवल से अपने हाथ को ड्राई करेंगे तो जैसा मैंने आपको सबसे पहले जो एक्टिविटी ऑफ या मैकेनिज्म जो दिखाया था, ये वाला जो मैकेनिज्म है हैंड सैनिटाइजर का, इसमें क्या होता है कि कई बार म्यूकस के अंदर कुछ पैथोजेंस का सर्वाइवल हो जाता है। सो वो ड्राइंग जब अगर आप ड्राई कंप्लीट नहीं होने देंगे तो वो क्या होगा, वो आपके हाथ से आपकी टॉवल के सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सो अब आपकी टॉवल ही कंटामिनेटेड हो जाएगी। सो आप उसका वेट करिए, एंड 30 seconds to 1 minute इज द टाइम फॉर दिस रबिंग। इस बीच में ये इनएक्टिव हो जाते हैं। So now there are general guidelines for the workplaces in regard with COVID-19. हम लोगों ने इसके ऊपर एक सेमिनार वेबिनार पहले किया हुआ था, बट स्टिल आप इसकी कुछ एक अच्छी बातें थी, इसलिए मैंने उसको इस स्लाइड के अंदर इंक्लूड किया। COVID-19 से रिलेटेड वर्कप्लेस के लिए एक गाइडलाइन WHO की भी आई हुई है, साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। सो सारे वर्कर्स के लिए, चाहे उनका रिस्क एक्सपोजर हो या नहीं हो, ये एक उन्होंने प्रैक्टिस दिया हुआ है कि आप अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली साबुन और पानी से एटलीस्ट 20-30 सेकेंड्स के लिए रब करते हुए वॉश करें। जहां पर सोप या वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज करें। अपने आंखों को, नाक को या मुंह को बिना धुले हाथों से टच नहीं करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, एंड जो रिस्पेटरी एटिकेट्स हैं या जो जनरल एटिकेट्स हैं, जैसे जब आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो आप अपने मुंह को कवर करें। कोशिश करें कि हाथों से कवर करने की बजाय आप अपने कोहनी के कॉर्नर से या इस तरीके से उसको कवर करें, या रुमाल से कवर करें। जो लोग सिक हैं, किसी भी तरीके की बीमारी है, इस समय उनसे थोड़ा सा दूर रहें, उनसे थोड़ा सा क्लोज जो कॉन्टैक्ट है वो ना बनाएं। और अगर आप बीमार हैं तो आप अपने घर पे रहें। जो पर्सनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे जो ओल्डर एडल्ट्स हैं या बहुत सारी इस तरीके की कंडीशंस हैं, जिसको हार्ट डिजीज है या जिनको लंग डिजीज है या डायबिटीज है, उनके अंदर इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो इस तरीके के लोग अवॉइड है कि फैक्ट्री प्लेस या क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें और घर पर रहें। थोड़ा फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जो है वो फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें। जो गैदरिंग्स हैं, जो आपके कॉमन रूम्स हैं, लंच रूम्स हैं, इन सब जगहों पर भी इस बातों का ध्यान रखें। खाना वगैरह अभी कुछ महीनों तक एक दूसरे के साथ में शेयर ना करें। काम शुरू करने के पहले जिस जगह पर आप बैठने वाले हो, जहां जहां पर आपके हाथ लगने वाले हो, उन जगहों को आप प्रॉपरली सैनिटाइज करिए। फैक्ट्री प्रीमाइसिस को पॉसिबल हो तो सैनिटाइज करें अपना दिन शुरू करने के पहले। जिन फैक्ट्रियों में लेबर फैक्ट्री के अंदर ही कंपाउंड में रहती है, वहां पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी को किसी तरीके की बीमारी हो तो उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करें, ताकि वो बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट में ना आए, जिससे कि आपका पोटेंशियली बाकी जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो टच में ना आने पाए।
So these are the things related to hand sanitizer and all these things. Regarding the formulation and everything, I have, as I have explained, there are many more than 250 essential oils. There are around 70 disinfectants and antimicrobes. So it is not possible to share a general formulation, because general formulation, when you are formulating a product, it is your responsibility, or when you are suggesting a product, it is your responsibility to check all the parameters for this safety concerns and its effectiveness. So in that way, I have not shared, but if anybody wants to make a green product or a water-based product or any kind of thing, you may take assistance of Manish ji, or you may take assistance of mine designing this product. This will be, we will be happy to help you. So now I rest this presentation. Thank you. There are these four. Sir, question hai ke, is the repacking of sanitizers allowed? Yes, repacking. नहीं नहीं repacking allowed नहीं है सर. वो उनका question कुछ और है गौरव जी. Repacking allowed नहीं है. आप एक बार complete कर ले, फिर question answer लेते हैं. सब answer अब ये होंगे सर. अर्पित जी बताते हैं भी आपको. हाँ जी गौरव जी, please complete. So thank you very much. I have read these four lines for and I think that this, in this pandemic situation for the industry, this is quite relevant. शायद अगर लोग कुछ दूर चल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें. घेरों के पार लेकिन कितनी बड़ी है दुनिया कि जरा तुम निकल के देखो, जरा हम निकल के देखें. थैंक यू वेरी मच. दिस इज डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव. थैंक्स अ लॉट. क्या बात है सर, क्या बात है. गजब. गौरव जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कमाल की प्रेजेंटेशन थी. ऐसी प्रेजेंटेशन ना तो कभी मैंने सुनी, ना इस तरह से एलेबोरेट करके और ओपनली, और सब कुछ आपने इतने अच्छे से समझाया है लेमैन लैंग्वेज में कि मुझे इतना मजा आया इस प्रेजेंटेशन को देखकर, मैं आपको बता नहीं सकता. मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं है. और एक बार जोरदार तालियों नीचे, मैंने सबको अनम्यूट किया, एक बार जोरदार तालियों नीचे डॉक्टर गौरव. गौरव जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों के कई क्वेश्चंस होंगे जो काफी कुछ जानना चाहते होंगे. सबसे पहले जो हमारे अर्पित जी थे, उन्हीं का क्वेश्चन ले लेता हूँ. अर्पित जी पूछिए साहब. नहीं, ये पूछा था कि रीपैकिंग ऑफ सैनिटाइजर अलाउड. सर, रीपैकिंग ऑफ सैनिटाइजर अलाउड नहीं है अनलेस और अंटिल आपके पास उस जिससे भी आप ले रहे हैं उसका ड्रग लाइसेंस आपके पास ना हो. ड्रग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है. बिना ड्रग लाइसेंस के आप सैनिटाइजर नहीं बेच सकते. जो अभी बेच रहे हैं या एजम्प्टेड एरिया, एजम्प्टेड स्टेट्स के अंदर बेच रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने जो एजम्प्ट कर रखा है, शायद यूपी के अंदर एजम्प्ट किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, बट इसके लिए जो एक्चुअल जो कंप्लायंसेस है और एक्चुअल चीजें हैं, ड्रग लाइसेंस मोस्ट रिक्वायर्ड है. ये सबसे जरूरी है सर, ड्रग लाइसेंस. गौरव जी, ड्रग लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर या ड्रग लाइसेंस ऑफ द ट्रेडर? ड्रग लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. ट्रेडर को तो नहीं चाहिए. आप ऐसे समझे, आपने 200 लीटर का बैरल लिया, आप 200 लीटर का 200 लीटर बेच सकते हैं. आपने 5 लीटर पैकिंग ली, 5 लीटर की 5 लीटर हेल्थ बेच सकते हैं. लेकिन आप 200 लीटर से खुला करके 5 लीटर या 20 लीटर या 40 लीटर नहीं बेच सकते. तो जो आप पैकिंग का लेकर पैकिंग बेच सकते हैं उसके लिए तो कोई लाइसेंस? ड्रग ना, उसके लिए भी लाइसेंस फर्क है. तीन किस्म के सैनिटाइजर्स हैं सर. पहला लाइसेंस आता है आयुर्वेदिक का, दूसरा लाइसेंस आता है कॉस्मेटिक का, तीसरा लाइसेंस आता है एलोपैथिक का. आप जो आयुर्वेदिक लाइसेंस है उसके अंदर किराना शॉप पे भी आप ये मटेरियल बेच सकते हैं. कॉस्मेटिक के अंदर कॉस्मेटिक शॉप पे बेच सकते हैं, लेकिन उसको भी जो जो इजाजत मिली है वो 30 जून तक है. एलोपैथिक वाला जो लाइसेंस है वो सिर्फ केमिस्ट शॉप पे ही बिक सकता है, और कहीं पर वो नहीं बिक सकता. तो अगर आपके पास आयुर्वेदिक वाला लाइसेंस है या आयुर्वेदिक लाइसेंस्ड आपके पास मटेरियल है, तो उसको आप कभी भी कहीं पे भी बेच सकते हो एज इट इज पैकिंग के अंदर. आप उसका पैक साइज चेंज नहीं कर सकते. 200 लीटर से लेके आप 5 लीटर की बिलिंग करेंगे तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होगा, विच इज नॉट राइट. गौरव जी, या जैसा मनीष जी ने बताया सेम ऐसा ही है. आपको आपको अपनी फर्म को बेचने के लिए भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं, जैसा कि मनीष जी ने एक्सप्लेन करा. आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के लिए, बेचने के लिए.
सो ये पहली चीज है. दूसरी चीज क्या है कि रीपैकिंग वैसे भी किसी भी प्रोडक्ट की अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट देयर आर सम जनरल कॉमन थिंग प्रोडक्ट्स जिसके लिए कि आपको रीपैकिंग की जनरल जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना लाइफ के लिए उनके लिए है. 30 जून तक गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बट 30 जून के बाद गवर्नमेंट इस तरीके का रिलैक्सेशन लिफ्ट करने वाली है. सो फिर फर्दर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ही, बनाने के लिए भी और बेचने के लिए भी. सो बेचने के लिए आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो ड्रग लाइसेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर, या अपने एरिया में जहां पर भी इस तरीके का लाइसेंसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर. पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए. एंड रीपैकिंग आप मैन्युफैक्चरर की रीपैकिंग तभी कर सकते हैं जब मैन्युफैक्चरर आपके साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रखता है. मतलब लेकिन गौरव जी उसमें भी आप अगर पैक साइज चेंज करते हो तो वो अलाउड नहीं है. मान लीजिए जैसे 200 लीटर की पैकिंग में आप मटेरियल लेके और आप चाहें कि मैं 5-5 लीटर पैक करके दे दूं, ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलाउड नहीं है. आपको बिलिंग अगर 200 लीटर की आई तो 200 का 200 ही लीटर आपने बिल करना होगा और वो ब्रांड नेम के साथ में बिल करना होगा जो ब्रांड नेम पीछे से आ रहा है. हाँ, ब्रांड नेम आप चेंज नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आप चेंज नहीं कर सकते. पैक साइज चेंज नहीं कर सकते, ब्रांड नेम चेंज नहीं कर सकते. मैं अब आपको दो मिनट गौरव जी मिलना चाह रहा हूँ आपसे. मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है. आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप टेक्निकली कोई भी सवाल पूछ लो, मुझे ज्यादा आइडिया होगा. लीगल कंप्लायंसेस एंड टेस्टिंग के ऊपर जो WHO गाइडलाइंस है या जो इंडिया में जो टेस्टिंग की चीजें हैं उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ. बाकी ये जो लाइसेंसेज रिलेटेड है वो आप मनीष जी हो सकता है ज्यादा अच्छा बता पाए. मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने आप सबके लिए एक मिनट सर मिलन भाई हाँ, एक मिनट हाँ. हम लोगों ने आप सबके लिए एक ऑप्शन ओपन किया है और हम लोगों ने जो सैनिटाइजर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में पेंट विजन ने टाइप किया है, तभी हम लोग ये वेबिनार आप सबके सामने लेके आए हैं. वो टाइप क्या है कि आपके अगर टाइम नहीं है आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लेसन्स ले सकें या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें. हमारे साथ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हुए हैं. मैं सर एक बार सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप म्यूट कर दे सर, अपने आपको रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कर दे. बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ सर सबको, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ. इस इंपॉर्टेंट जानकारी से आप आने वाले टाइम में अपने ब्रांड के अंदर सैनिटाइजर बना सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्लीज आप सुन ले सब लोग. अगर आपको अपने ब्रांड के अंदर सैनिटाइजर बनाना है तो हम लोगों ने एक टाई अप किया है 2-3 मैन्युफैक्चरर से जो सैनिटाइजर बनाते हैं. उन लोगों के साथ में आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना ब्रांड भेजना है, आपका ब्रांड वो अपने ड्रग लाइसेंस के अंडर में रजिस्टर करवा देंगे. इसको कहते हैं थर्ड पार्टी लाइसेंस. आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर बाय उस कंपनी का नाम आएगा जिसके अंडर ड्रग लाइसेंस है, आपकी कंपनी का नाम मार्केटिंग बाय आएगा. इस तरह से आप अपने ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट की अपने बने हुए सैनिटाइजर की मार्केटिंग कर सकते हैं. एक तो तरीका यह है थर्ड पार्टी जिसके अंदर आपको सिर्फ ब्रांड नेम देना है, कुछ जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कई चीजें हैं उसमें, वो आपको मैं जिसको भी चाहिए मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा. सेकेंड चीज इसके अंदर है कि आपकी कंपनी का नाम आएगा एज मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मार्केटिंग बाय, मैन्युफैक्चरिंग में आपका नाम नहीं आएगा. जिस व्यक्ति की मैन्युफैक्चरिंग है, जिस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, उस कंपनी का नाम आएगा. जैसे आपने देखा होगा कोका कोला कंपनी है या और भी पेप्सी है या कोई भी कंपनी है, आपने देखा होगा अलग अलग जगह के प्लांट होते हैं, उनके अलग अलग जगह पे स्टिकर के ऊपर छोटा छोटा नाम लिखा होता है कि ये बॉटल कौन से प्लांट से या कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है. ब्रांड नेम कोक होता है बट मैन्युफैक्चरिंग बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी और का नाम होता है. इसी तरह से ये प्रोसेस रहेगा, आपका थर्ड पार्टी लाइसेंस आपका उसमें आ जाएगा, आपके नाम से बन जाएगा. और अगर आपको लाइसेंस लेना है अपने एरिया के अंदर तो वो स्टेट बाय स्टेट अलग अलग सिस्टम रहता है, उसकी जानकारी आपको मैं अलग से दे सकता हूँ. किसी को भी अगर चाहिए तो मुझसे आप बात कर सकते हैं. लेकिन उसका प्रोसेस है 7 days का, 7 to 10 days. लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो 2-3 दिनों के अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है. तो आप में से कोई भी अगर अपने ब्रांड के अंदर सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका टाई अप करवा सकते हैं. इस तरह की पूरा सेटअप हम लोगों ने रेडी किया हुआ है पेंट विजन ने आप लोगों के लिए. आपको किसी भी तरह का ऐसा कुछ चाहिए अपने ब्रांड के अंदर तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. गुरुराज सर आपका क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ सर. गुरुराज सर प्लीज आपका क्वेश्चन सर. डॉक्टर गुरुराज प्लीज.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आप अपनी ऑडियो चेक कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। संभाजी सरवासे, संभाजी हाँ जी आ गया, संभाजी बोलिए आ गया, आ गया गुरुराज, डॉक्टर गुरुराज बोलिए सर। हाँ जी अच्छा गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी आपका भी नॉलेज लाइसेंस वगैरह के बारे में बहुत बढ़िया है, काफी पिछले 15 दिन से इसी पे वर्किंग कर रहा था और आज मुझे लगा ऐसा कि मैं पेंट इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट दे सकता हूँ पेंट विजन के थ्रू हैंड सैनिटाइजर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इस समय जरूरत भी होगी। जैसे एशियन बजर और बड़ी बड़ी कंपनी से निकाल दिया है तो आप लोगों में भी कई लोग चाह रहे होंगे कि हमारा भी एक ब्रांड होता, तो उसके लिए मैं काफी दिन से इसमें मेहनत करके आज इस चीज को लेके आया था। कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड एफर्ट एंड इट विल बी वेरी यूजफुल, यस ट्रू, थैंक यू सर। अच्छा मेरा सवाल ये था गौरव जी, मनीष जी आप भी, आपको भी है ये सवाल कि बेसिकली वी हैव स्पोकन अबाउट हैंड सैनिटाइजर्स, now yes. can we have a session about disinfectants which are not for your use on your body? Yes, इसके इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी इसके अंदर भी आएंगे सर हम लोग। हाँ, disinfectants के लिए लाइसेंस का क्या रिक्वायरमेंट होगा ये आप कुछ लाइट थ्रो कर सर? इसमें पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है वेरी फ्रेंकली, अभी सिर्फ सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, हैंड रब की जानकारी पूरी हम लोग लेके आए हैं और बहुत जल्दी डिसइंफेक्टेंट के ऊपर भी हम लोग चीजें लेके आएंगे। हालांकि हमने अपने कंपनी में डिसइंफेक्टेंट बनाया है, मैंने अपना खुद बनाया है, बट जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इसमें क्या लाइसेंसेस और क्या क्या कंप्लायंसेस की जरूरत है, वो डिस्कशन हुआ था तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि 30 जून तक तो अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नजर आई नहीं हमें कहीं पर भी, बट अभी क्या रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहती है उस पर वर्किंग चल रही है, उस पर हम बहुत कैडी नजर बना के रखे हुए हैं ताकि जो भी डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनलाइज तरीके से और एक प्रॉपर कंपनी जो हमारी होगी उसको सिस्टमैटिकली हम लेके चले, कहीं पर हमारे को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आके या कहीं पर हमारी सैंपल उठता है कोई मार्केट से तो कोई हमें ये ना कहे कि आप क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे, तो उसमें थोड़ा सा हमें अभी आपसे समय चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। गौरव जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हमने वो डेवलप कर लिया है, हमने थर्ड पार्टी की जो बात कर रहा हूँ गुरुराज सर, थर्ड पार्टी की जो बात कर रहा हूँ, हमने वो प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, ग्रुप्स के अंदर हमने कुछ पोस्टर्स कुछ स्टिकर्स डाले हैं मैंने जो नेचुरल ऑर्गेनिक डिसइंफेक्टेंट के नाम से है, तो उसके बारे में अगर किसी को बात करनी हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस पर्सनली, वो सब चीजें हमने की है। लेकिन कंप्लायंसेस क्या है, लीगल लीगैलिटीज क्या है, लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, हमने बहुत सर्च किया लेकिन मिली नहीं। नहीं, वन सिंपल थिंग आई कैन टेल यू इज इफ यू चेक फॉर लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग अ फिनाइल व्हिच इज अ फ्लोर क्लीनर, जी जी जी, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर अगर उधर का कुछ जरूरत है तो वही चीज यहाँ भी लागू होगी। मेरे को लगता नहीं शायद फिनाइल बनाने के लिए कोई लाइसेंस होता या नहीं होता, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है सर, वेरी फ्रैंकली मुझे नॉलेज नहीं है। वो एक एस्टैब्लिश्ड, राजीव जी क्या कह रहे हैं, राजीव गोपलानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिनाइल के लिए भी चाहिए लाइसेंस, फिनाइल के लिए लाइसेंस चाहिए होता है सर? कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किसी भी तरीके का डिसइंफेक्टेंट तरीके का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिजाइन करते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी में रजिस्टर कराना पड़ता है विद डिटेल्स, जहां पर कि आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट का एक 10 डिजिट या 12 डिजिट का एक नंबर वहां पे अलॉट होता है उस फॉर्मुलेशन का, वो आप वही आपका जो सर्टिफिकेशन होता है वो यूज होता है। ओके 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 राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं सर। संभाजी हेलो मनीष जी, जी गुड इवनिंग, गौरव सर से मुझे एक बात करनी है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए प्लीज, बोलिए सर बोलिए। हम जो अभी सर आपने सैनिटाइजर का फॉर्मुलेशन देखा उसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि आपका इवेपोरेशन रेट ऑफ जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं वो ड्यूरेशन बढ़ जाए विदाउट अल्कोहल, क्योंकि आपका अल्कोहल ही इजीली जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स। सर देखिए अल्कोहल जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर इंग्रेडिएंट्स, पर जब अल्कोहल इवेपोरेट होता है तो आपकी स्किन से एनर्जी जो स्किन के अंदर जो लेटेंट हीट होती है ना जो वाटर की उसको यूज करते हुए निकलता है वो आपके स्किन के टेम्परेचर को लेके बाहर निकलता है और उसकी जो हाइड्रेशन है ना वो डिहाइड्रेट करता है, वेयर एज जितने भी आप ग्रीन प्रोडक्ट्स या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं ना
इसके अंदर जो वाटर के अलावा जो बाकी कंपोनेंट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है एंड वो स्किन के ऊपर एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग की लेयर दे करके जाते हैं जो बहुत अच्छी होती है। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होगी तो उसके अंदर स्केलिंग होगी, फर्दर उसके अंदर पैथोजेंस डेवलप हो जाएंगे। ले हम इसको अगर जो ऑपरेशन रेट है उसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो उसका जो इफेक्ट है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। सर देखिए, इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहना जो है वो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जो आप इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डालते हैं ना वो उसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करते हैं। इसमें हाईली ऑपरेटिव क्या है, आपका अल्कोहल है, तो हम अगर अल्कोहल का इवेपोरेशन रेट कम कर देंगे तो आपका जो हैंड सैनिटाइजर है उसका ड्यूरेशन और उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। सर देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसके अंदर जो रिकमेंडेशन लेवल होता है वो 60-95% होता है। आप इसके बीच में कहीं भी, सर आप इसके बीच में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देन फर्दर ऑन क्या है कि अगर आप अल्कोहल कंसंट्रेशन इससे कम करते हैं तो आपका जो वायरस या जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो मतलब जो लिपिड है यानी जो प्रोटीन है वो डीनेचर नहीं इजिली होगा, फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अल्कोहल का परसेंटेज हम सेम रखेंगे लेकिन अदर जो आप थिकनर यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा जो भी फॉर्मुलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट हम उसको ऐसे अलग से यूज कर सकेंगे या परसेंटेज बढ़ा के यूज कर सकेंगे, जिससे क्या सर हायर परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन विल हेल्प इन दैट। ओके, हेलो सर, सॉरी टू कंट्रीब्यूट, हायर परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन शुड हेल्प व्हाट यू आर सेइंग, थोड़ा इवेपोरेशन रेट स्लो करने के लिए, बट ऑफ कोर्स इट्स अ फ्यू मोर सेकंड्स इट विल हेल्प एंड आई थिंक दैट इज आल्सो सफिशिएंट टू किल द बैक्टीरिया सॉरी वायरस एंड अदर। सर अगर सर देखिए, इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जब भी कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन होती है ना उसके सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर स्टिकीनेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे आप ग्लिसरॉल यूज करते हैं तो वहां पर उसके कुछ अपने इफेक्ट्स भी हैं जो स्किन पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रहना चाहिए। सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच अ सैनिटाइजर इज डिजाइंड। रही बात इसकी कि अगर आप ज्यादा देर अल्कोहल को बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं करना चाहते तो उसमें बहुत सारे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स आते हैं, उनको आप यूज करिए, वो ज्यादा टाइम तक आपके आपके हाथ के ऊपर अल्कोहल को होल्ड करके रखेंगे। तो वैसे विमल में कुछ है क्या जो कि आपका रियोलॉजी मॉडिफायर? आप पर्सनली बात करें तो ज्यादा अच्छा, ये एक पब्लिक फोरम है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मनमोहन अग्रवाल जी का। मनमोहन जी अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। सर हम लोग आपका एक्सी से यूज करते हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मनमोहन जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मनीष जी मुझे क्वेश्चन। हाँ आ रहा हूँ सर, प्रधान सर आ रहा हूँ, प्रधान सर आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ सर। मनमोहन जी आपका आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मनमोहन जी। सॉरी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मनमोहन जी, आई एम सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मनमोहन जी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम मोदी जी। शुभम मोदी जी हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी शुभम। हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरे को दो तीन चीज का इस पे डाउट था, जैसे वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मनमोहन जी, आप मुझे अपना चैट में कोई क्वेश्चन डाल दें, मैं आपका चैट में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा सर। आप चैट में लिखते हैं, आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रही, प्लीज प्लीज बियर विद अस जी। शुभम जी बोलिए। सर बोल रहा था जैसे हम लोग अभी ड्रग लाइसेंस प्रोक्योर करने के स्टेज में, वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स की ड्रग लाइसेंस हमें मिल जाए ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें जी। तो हमें दो तीन जगह हमें इश्यूज आ रही है जी। इशू आ रही, जैसे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो बोल रहे हैं कि टू मैन्युफैक्चर हैंड सैनिटाइजर आई हैव टू गिव अ पर्टिकुलर शेड, आई हैव टू डेडिकेट द शेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हैंड सैनिटाइजर। मतलब अगर उसमें बल्कि उनको लैब भी चाहिए, दो लोग भी चाहिए, दो लोग भी चाहिए, लैब भी चाहिए और एक अलग से शेड चाहिए, अलग से शेड चाहिए, उसमें एयर कंडीशन भी चाहिए, उसमें कई उनकी नॉर्म्स हैं सर, बहुत सारे नॉर्म्स हैं उनके। तो मैं वही बोल रहा था सर कि आज जैसे इतने उन्होंने नॉर्म्स डाले हुए, वो सीधा क्लियरली बोल रहे कि हम शायद तक आपको आज दे भी देंगे हैंड सैनिटाइजर का, बट आफ्टर सिक्स मंथ्स वो शायद तक विड्रॉ कर ले आपका लाइसेंस। ये इस बारे में बहुत सारी एक मिथ है जिसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल करने की कोशिश की लेकिन हमें हासिल ही नहीं, क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही चल रही है कि किसी को कुछ पता नहीं है। लोग काफी कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें हर दूसरा व्यक्ति आज चाह रहा है कि हम सैनिटाइजर भी बना लें, हम डिसइंफेक्टेंट बना लें। इस समय
ये जो ऑप्शन आई हुई है पेंट इंडस्ट्री के पास ऑप्शन है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इसके अंदर लगी हुई है। सबसे पहले जो ड्रग इंडस्ट्री है वो इसके अंदर लगी हुई है। सुन जी, आपके बैकग्राउंड बड़ा म्यूजिक बड़ा वॉइस आ रही है, आपको म्यूट कर रहा हूँ सर, एक मिनट सर आपको। जी अब बोलिए सर। तो ये कई ऐसी चीजें हैं सर जिसको अभी हम लोग खुद वॉच कर रहे हैं, और हम आपको इसी का हल हमने ये निकाला था कि जिन लोगों को भी 10 से 15 दिन या 20 दिन लग रहे हैं और वो अपने सैनिटाइजर अपने इनहाउस नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी का सिस्टम बनाने की बात की है। वही मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी के अंदर हम आपका उस ड्रग लाइसेंस के अंदर ब्रांड नेम रजिस्टर करवा देंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, कल को उसी ब्रांड में आप अपने ब्रांड में बेच सको। ये हमने तो सर जो मतलब जो ऑलरेडी जो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब वो क्या सारा प्रोटोकॉल जैसे एयर कंडीशनिंग और अलग से शेड वगैरह वो सब ऑलरेडी वो फॉलो कर रहे हैं हम लोगों के साथ, या हमने जिस तरह टाइप किया है वो ऑलरेडी ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं उनके पास, सारे सारी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ ऑलरेडी है उनके पास, हमने जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं उनके साथ ही टाइप किया है। चलिए अच्छा, और दूसरा चीज में डॉक्टर गौरव आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे WHO का जो उनको गाइडलाइंस है वो बोलते हैं फॉर टेस्टिंग द हैंड सैनिटाइजर आपको अल्कोहल कंटेंट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट वेदर द क्वालिटी इज अप टू द मार्क और नॉट। तो उसके लिए सर आप जैसे अगर मैं IPA से बना रहा हूँ तो अल्कोहल कंटेंट के लिए अगर मेरे को टाइट्रेशन फॉलो करना, तो टाइट्रेशन के लिए कौन सा केमिकल के साथ मेरे को ये चेक करना चाहिए? सर देखिए, ये स्टोइकोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको भेज दूंगा। नॉर्मल सबसे इजी जो टाइट्रेशन का मेथड है, अल्कोहल बहुत टाइट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, अल्कोहल बहुत कम टेम्परेचर पर इवोपरेट हो जाता है। आप उसको 30-40 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना, वो इवोपरेट हो जाएगा, जो बाकी बचा हुआ होगा ना वो आपका वाटर एंड जो जो भी सॉल्ट उसके अंदर होगा या किसी तो वैसे कैलकुलेट करके फिर निकाल लेंगे। यस यस, एक जनरल जो है बहुत इजी वे में ये कैलकुलेशन है। बाकी अगर आपको टाइट्रेशन से करना है तो अल्कोहल के टाइट्रेशन के स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, वो आप मेरे से ले सकते हो जब कभी भी चाहोगे। और ये जो मेथड्स हैं ये सर हाई स्कूल की बुक्स में है, केमिस्ट्री की बुक में, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बुक में, वहां से बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों के साथ, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये हम लोगों ने जो आज ये वेबिनार किया है ये पूरी तैयारी के साथ किया है, और कोई जानकारी ऐसी आपको चाहिए हो किसी भी तरह की, IPA से ज्यादा एथेनॉल से मटेरियल बन रहा है, तो आप उसके बारे में मुझसे भी जानकारी ले सकते हैं, डॉक्टर गौरव जी हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ पार्थ अरोड़ा जी। सर एक मिनट, मैं मोदी साहब के एक सवाल का और जवाब देना चाहूंगा। जी 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 कि सर जब आप ड्रग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, आप एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, एग्जैक्टली, तो आपको डेफिनेटली एक शेड डेडिकेट करना पड़ेगा, वहां पर आपको हर तरीके के नॉर्म्स को मेंटेन करना पड़ेगा। आप एक पब्लिक हेल्थ के साथ में मतलब अगर अपने प्रोडक्ट में आप इस तरीके का सैनिटाइजेशन नहीं रखेंगे या इस तरीके के प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो आप पब्लिक की हेल्थ के साथ में प्ले करेंगे, जो कभी भी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। सो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को विजिट करो, वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदी हो, चाहे कोई भी हो, उनके पास सर्टेन नॉर्म्स सर्टेन पैरामीटर्स डेफिनेटली होते हैं। इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट के लिए होती है, उसके लिए भी आपको इस तरीके का जो कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो लाइसेंस मिलता है ना, कॉस्मेटिक लाइसेंस, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। अब ये अलग बात है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें चलता है का एटीट्यूड है, बट चलता है सर पेपर पे नहीं होता है ना, जब आप लाइसेंस डेफिनेटली मैं भाई, क्योंकि आज हम लोग ने चलता है कर दिया और बाद में हमें इश्यू आ गए कोई लीगल, तो आपको 30th जून तक रिलैक्सेशन मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लीटर हैंड सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट वो तो कोई भी बना सकते हैं दिया हुआ है सब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सर, थैंक यू शुभम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थ रोड़ा। हेलो, यस, हाँ जी सर, मेरे को पूछना था, सारे लाइसेंसेस तो ठीक है, एक और लाइसेंस था लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस फॉर एलोपैथिक ड्रग्स, वो किस चीज के लिए? सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं, लोन लाइसेंस क्या है इसके बारे में हम ये टॉप ये लिख लेते हैं। और सर आई कैन गाइड यू ऑन दैट इफ यू डोंट माइंड। आदित्य जी प्लीज बताएं लोन लाइसेंस क्या है। या गुड इवनिंग, आई एम आदित्य चंद्रचूड़ फ्रॉम बोरोक्रिस, वी आर डूइंग रेजिंस एंड पेंट्स, आल्सो वी हैव अ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। So loan license is basically if some other person is having a facility, let's say who's having a drug license, let's say, and you want to manufacture from him using your brand name. तो वही बात होगी third party जो मैंने भी बोला sir. Third party. हाँ, लेकिन आपका अगर आपके brand में करवाना है, तो आपको वो brand name FDA को register करवाना है
along with the registration of the other person's factory. Whereas the first scenario where we were talking, jahan par aapne bola ke you have tied up with some drug manufacturers, I mean hand sanitizer manufacturers. Yes. So in that case, the license is required only by the facility, not by yes. you. Yes. Yeah, so that is the main difference. If you are wanting your brand name, then you have to register with FDA your brand using loan license. So loan is you're loaning the factory of somebody. नहीं तो हमें जो अगर अपने premises में बनाना है तभी loan license की requirement है ना? नहीं 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 तो you have your own license. नहीं तो loan license your own जो third party license में बोल रहा हूँ वही loan license हुआ ना? जी 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 वही हुआ ना loan license एक term हो गई actually वही चीज़ है जो third party में बता रहा हूँ अभी. Okay. Yeah, that is a term used. Loan license is a term used. You are right. Sir, I wanted to ask one more thing. Yeah, yeah. आपका भी question है आगे पे जाओ. मनीष जी, मनीष जी, जी. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप एक फार्मेसी की शॉप खोलते हैं ना, तो आपको एक फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. ओनर कोई भी हो सकता है, पर बिना फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट के आप फार्मेसी की शॉप नहीं खोल सकते. Exactly. बिल्कुल. That is a kind of thing कि लोन लाइसेंस किसी और का है. जी जी. लाइसेंस किसी और का है और आप यूज कर रहे हैं उसको. नहीं, वो थर्ड पार्टी जो मैं बता रहा हूँ वही लोन लाइसेंस हुआ. पार्थ अपना वीडियो ऑन करो. जो थर्ड पार्टी लाइसेंस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ. yes, वही चीज हो रही है. yes. और आप पार्थ कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर गाजियाबाद से. ओके ओके. क्या किस नाम से अपनी फर्म? रीगल पेंट्स. अच्छा, रीगल पेंट्स. ओके ओके ओके. विमल जी के यहाँ से? हाँ, वो थर्ड पार्टी वाली बात मैं बता रहा हूँ. अभी आदित्य जी ने अच्छे तरीके से समझाया. जो लोन लाइसेंस की आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी लाइसेंस ही है. आपका ब्रांड नेम ही रहेगा. जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सैनिटाइजर की, उसके ड्रग लाइसेंस के अंदर आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका मार्केटिंग जो नेम आएगा वो आपकी कंपनी का नाम आएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोका कोला कोक ब्रांड रहता है, मार्केटिंग में कोका कोला कंपनी रहती है. और लाइसेंस हमें चाहिए होगा ना सर? सर वो आपको मिल गया ना थर्ड पार्टी, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं. पर लोन लाइसेंस उसमें अलग भी लिखा हुआ है, अब वो हमें रिक्वायर्ड है कि लोन लाइसेंस? थर्ड पार्टी के अंदर आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा. आप मेरे से आप मुझे कॉल कर लेना या विमल जी से कहना है, विनोद जी से कहना है, कॉल में बता दूंगा. ठीक है सर. ठीक है. आदित्य जी आपका क्वेश्चन प्लीज. या सर, या आई वांटेड टू आस्क, डॉक्टर गौरव जी ने बताया अभी कि उनके पास सो दैट देयर आर सम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशंस इन द नॉर्म्स टिल 30th June. तो उसकी कोई लिंक या कोई नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप पे या कुछ जो आप शेयर कर सकते? मैं शेयर कर दूंगा सर, हमारे पास है वो लिंक. वो मैं शेयर कर दूंगा सर. आप कौन से ग्रुप में, कौन से ग्रुप नंबर में है? पेंट विजन में. आप कौन से नंबर ग्रुप में है सर? सर पेंट विजन, अदरवाइज आई कैन पुट माय मोबाइल नंबर ऑन दैट. मैं डाल देना योर चैट ग्रुप. सर पेंट विजन के हमें 7 ग्रुप है. आप कौन से नंबर वाले ग्रुप में है? चलिए मैं सभी में डाल देता हूँ. आई विल मैसेज यू ऑन दैट ग्रुप. आई विल मैसेज यू ऑन द ग्रुप. नो प्रॉब्लम. मैं सर सभी ग्रुप में डाल दूंगा. डॉक्टर गौरव ने वो मुझे पूरा नोटिफिकेशन भेजा हुआ है और उसपे पूरा हम लोग इस पे रिसर्च कर चुके हैं. डॉक्टर साहब वही चीज है, मैं डाल दूं ना इनको, दे दूं वो? हाँ, आप वो भेज सकते हैं. और ये जो था ना, जब ये स्टार्ट हुआ था ना पैंडेमिक सिचुएशन, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी पब्लिश हुआ था ये द रिलैक्सेशंस. यस, रिलैक्सेशंस हैज बीन पब्लिश्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था बहुत सारे पेपर्स में. आप अप्रैल के शायद किसी एडिशन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है. मैंने भी ऑनलाइन हमारे पास है, मैं भेज दूंगा सर. मैं सभी ग्रुप में डाल दूंगा. आप भेज दीजिएगा. थैंक यू सो मच सर. ओके, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? प्रधान सर बोलिए. सर प्रधान सर पूछना चाह रहे थे कुछ. प्रधान सर, प्रधान साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, प्लीज बोलिए. गौरव जी, एज यूजुअल एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. माय कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज मनीष जी for thank giving you, this vital information. Thank of course, you, I am a technical person, so I would like to ask a technical question only. Number one, I am little ignorant about the pentogen. Can you explain to me what pentogen is? Sir, there are many products, especially for a particular pentogen is effective against some certain kind of pathogens. There is a list of that. I will send you separately that on your mobile. That what is pentogen and against which pathogens it acts, because there are more than 250 essential oils, their products, extract products, chemical products. So everything is not remembered by me. I will send you a sheet of that. Yeah, fine. There are a number of research paper published also on pentogen. Okay, fine.
Another question, Dr. Gauravji, is you have said two types of the sanitizer. One is alcohol based, another is based on the mineral oils or any other oils. Now, first thing is that when you say the alcohol content in that between the 60% to 95%, so there is a scope of adding other ingredients from say about 30% to 5%, correct? Yes, correct. Is that sufficient enough to take care of your property of listing property of your sanitizing? Yes, yes. Up to 60%, it is appropriate. More than 60%, as I explained in the mechanism of alcohol-based hand sanitizers, saline and mucus one. So as you increase the alcohol content, you will get better sanitization property. But below 60%, it is little bit difficult to get that. मैं इसका एक बहुत general example आपको देता हूँ कि जब wars होती थी World War II के या World War I की, हम लोगों ने बहुत सारी movies भी देखी है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो उसमें जब भी कुछ नहीं मिलता था किसी चीज को करने के लिए, तो आप उसमें देखते थे कि वो अल्कोहल से ही उस वुंड को धो देते थे, मतलब उस घाव को वो अल्कोहल से वॉश ऑफ कर देते थे, क्योंकि तब तक अल्कोहल जो था वो एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता था, क्योंकि वहां पर उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो एंटीसेप्टिक जैसा काम करेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वो डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करने लगेगा। अच्छा, अनदर थिंग, व्हेन आंसर, मैं एक मिनट प्रधान सर, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बताऊंगा। मैं 2 मिनट टाइम लेता हूँ, मैं लास्ट में आपको देता हूँ सर, अभी अभी 2-3 मैं 5 मिनट आपसे चाहूंगा सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सॉरी फॉर दैट, बट आई रिक्वेस्ट यू, मैं एक दो क्वेश्चन और ले लूं। ओके ओके ओके, हाँ जी निशांत जी बोलिए। हाँ मनीष जी, आई वुड लाइक टू नो द, एक्चुअली आई हैव मेल्ड इन द चैट बॉक्स आल्सो द प्राइसेस फॉर इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लिसरॉल, वो मैं आपको भेज देता हूँ। प्राइसिंग का हम लोग कभी भी पब्लिक फोरम के अंदर डिस्कशन नहीं करते हैं, आपने देखा होगा आप हमारे पेंडविजन ग्रुप में भी होंगे, तो हम कभी भी प्राइसेस पब्लिकली नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इथिक्स के भी खिलाफ है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नो इश्यू, तो आई हैव टू कांटेक्ट प्राइस के अलावा कोई और आपका क्वेश्चन है सर, वी कैन आंसर दैट। सेकेंड था ये कलर्स के बारे में, कौन से कलर्स चलेंगे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स पे? गौरव जी, सर फूड कलर डाइज जो होती है ना, जो आप नॉर्मली फूड के अंदर यूज करते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व करके देन अल्कोहल में ऐड कर दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उससे उसकी एफिशिएंसी तो कम नहीं होगी? क्या चीज? उसकी एफिशिएंसी तो कम नहीं होगी कलर्स के एडिशन से? सर नहीं, एफिशिएंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके थैंक यू। रितेश जी पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन, रितेश जी प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछे सर, रितेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर हैं, अभी हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं, तो अपना 60% to 90% अपना अल्कोहल यूज करके हमको सैनिटाइजर बनाना रहता है, तो जो अपने दूसरा सैनिटाइजर बताया था अल्कोहल फ्री, तो क्या अभी हम अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर बनाते हैं वो कोविड के लिए मतलब यूजफुल रहता है या नहीं? मैडम एज पर WHO रिकमेंड, हां गौरव सर सॉरी प्लीज बोलिए सर, गौरव जी देखिए WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से COVID-19 वायरस के अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए अभी प्रीजम्पशंस ही हैं कि वो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अभी जो COVID-19 वायरस है उसके अलावा बाकी सारे पैथोजेंस के लिए टेस्टिंग, या आप कह सकते हैं पेटेंट्स, या आप कह सकते हैं रिसर्च पेपर्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, पर COVID-19 एक बहुत नया स्ट्रेन है, इसके ऊपर अभी अल्कोहल फ्री सिस्टम के ऊपर कोई भी रिसर्च पेपर आया नहीं, सो अभी मैं उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। ओके थैंक यू सर। मनमोहन जी, मनमोहन अग्रवाल जी पूछिए सर। सर एक मिनट मनमोहन जी, एक मिनट, हां जी हां जी मैडम बताएं, मनमोहन जी एक सेकंड, हां जी मैडम बताएं। सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है अपना हैंड सैनिटाइजर का, किसी को लोन लाइसेंस का चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करते हैं। हां वो आपने मैसेज डाल दिया, मैं आपको कॉल करूंगा मैडम, आप एक आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, अगर उस एरिया के अंदर हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है तो विल डेफिनेटली कॉल यू। थैंक यू। जरूर सर, जरूर, थैंक यू। मनमोहन अग्रवाल जी, मनमोहन जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए मनमोहन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मनमोहन जी बोलिए क्वेश्चन, बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही, मनमोहन जी बोलिए क्वेश्चन।
मनमोहन जी आपकी आवाज मुझे आ रही है, क्वेश्चन बोलिए सर। अभी आ रही है जी, जी आ रही है, बोलिए सर। सॉरी मनमोहन जी, आप मुझे पर्सनली अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा मेरे नंबर पर, वो मैं क्वेश्चन का आंसर आपको पर्सनली फोन पे दे दूंगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सुब्रतो दादा, आपका कोई क्वेश्चन था? सुब्रतो दास सर, क्वेश्चन सर? नहीं नहीं, आई डोंट हैव एक्चुअली फॉर कोविड ओनली व्हाट ही इज सेइंग, ओनली द अल्कोहल बेस्ड इज रिकमेंडेड, राइट? या ओके, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर हमारा क्वेश्चन नहीं, सजेशन है एक छोटा सा। दादा आप तो सबसे पहले बोलो, मैं वही सोच रहा, मंजीत भाई मेरा कहां गया? मैं कह रहा हूं डिसइंफेक्टेंट बनाना है, सब जितने भी पेंट इंडस्ट्री सबके पास पाइन ऑयल होगा अच्छे। डिसइंफेक्टेंट की बात मत करो मंजीत जी, थोड़ा हैंड सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट का जब मैं टॉपिक छेड़ूंगा विद इन अ वीक, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके छेड़ेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भी ना प्रॉब्लम कर देती है। आप सिर्फ पाइन ऑयल के बारे में जानकारी देंगे, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं तो वो छूट जाएंगी, कहीं ना कहीं लोग फिर उलझे रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी अभी पूरी जानकारी जब डिसइंफेक्टेंट की आएगी हमारे पास, डेफिनेटली उसके ऊपर हम जरूर क्वेश्चन या कोई भी चीज करेंगे। संदीप गुप्ता जी बोलिए सर। संदीप जी बोलो सर। सर मेरा एक सवाल है जी, बोलिए बोलिए। हैंड सैनिटाइजर को अगर हम रीपैक करते हैं नॉट फॉर सेल के लिए, जैसे फ्री सैंपल वगैरह अपने प्रोडक्ट खरीदे, तो उस स्थिति में क्या मतलब लीगल? सर 50 लीटर तक 30 जून तक एजम्पशन है ना, 50 लीटर आप बनाए, 50 लीटर बना के फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांट सकते हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा था। आधी पेंट्स जी जी, कोई बात नहीं। आधी पेंट्स सर, ये जो मैम ने अभी बोला जो ड्रग लाइसेंस अवेलेबल करा सकते हैं, इनका कुछ अगर कॉन्टैक्ट मिल जाए तो? वो बिल्कुल मिल जाएगा सर, आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए। एक्चुअली हम लोग ये जो वेबिनार कर रहे हैं वो करी इसीलिए रहे हैं कि हमारी पेंट इंडस्ट्री में जो लोग अभी ड्रग लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं या जिनको अपने ब्रांड के अंदर ये प्रोडक्ट बनाना है, उनको हम हेल्प आउट करना चाहते हैं और उनको हम पूरा हेल्प आउट करेंगे किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर, ऑल ओवर इंडिया। दोनों किस्म के लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनके पास ड्रग लाइसेंस है वो भी, और जिनको माल जो जिनको प्रोडक्ट बनाना है वो भी, वो ऐसे दोनों मैन्युफैक्चरर्स, दोनों लोगों को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें अपने बारे में बताएं, हम लोग आपके ये प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलवा के और आपका ये पूरा अरेंजमेंट हम करवाएंगे आपके लिए। ये थर्ड पार्टी ड्रग लाइसेंस का सिस्टम पूरा हम आपको बना के देंगे, इसलिए प्लीज आप लोग हमें जरूर बताएं कि जो जो अपने ब्रांड में सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं और जिन जिन के पास ड्रग लाइसेंस है वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे इस बात की जानकारी मेरे पर्सनल नंबर पे दे दें या यहीं पे चैट में लिख दें, क्योंकि अभी मुझे पर्सनल नंबर भी दे दीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आगे। आदित्य राजवली, इनका क्वेश्चन है। आदित्य राजवली पूछिए सर क्वेश्चन। आदित्य जी अपना अनम्यूट करके पूछ लिए क्वेश्चन सर। हेलो जी, बोलिए। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो, हाँ मैं आदित्य, हाँ मेरा नाम आदित्य राजवर है जी। मैं एवी कोटिंग्स, आई एम वर्किंग इन एवी कोटिंग्स, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल स्प्रे। ओके ओके, सो हमको भी, या वी वर आल्सो इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग द। आप अपना मेरे को नंबर डाल दो आदित्य जी, आप मुझे अपना नंबर डाल दो, राइट? अभी आपके लिए बहुत सी चीजें हम लोगों ने, मैं आपको बहुत सी चीजें दूंगा, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर। आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, अभी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको जानकारी देना चाहते हैं? ये पूछ रहा था। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मेरा एक फैसिलिटी है पुणे में। ओके, तो वहाँ पुणे इज इन महाराष्ट्र, और अगर मैं एक दमन में खोलना चाहता हूँ यूनिट सैनिटाइजर के लिए, तो एक ही लाइसेंस पे दोनों यूनिट चलता है कि फॉर एवरी यूनिट वी हैव टेक अ डिफरेंट लाइसेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट? बात की जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ जी, आपको दोनों यूनिट के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग जीएसटी नंबर पे चलेंगी आपकी। ओके, ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सबसे मैंडेटरी है आपकी यूनिट जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। ओके चलेगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ सुब्रतो दादा पूछिए, आप अनम्यूट तो कर लीजिए अपने को। सुब्रतो दादा पूछ नहीं रहे थे, कुछ बता रहे थे।
चलो दादा बोलो बोलो। तो एक पूछना था कि जो अल्कोहल है ना वो टाइट्रेशन से अच्छा मेरे को लगता है गैस क्रोमेटोग्राफी से अच्छा हो जाएगा एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर जीएस गैस क्रोमेट जीसी करना मतलब जीसी करने के भेजना पड़ेगा किसी के पास में जीसी का। मुझे तो सबसे सिंपल तरीका ये लगता है कि अल्कोहल मीटर आप सब जगह अवेलेबल है, अल्कोहल मीटर से चेक किया जा सकता है। यस यस अल्कोहल सिंपल सिंपल प्रोसेस है, आप अल्कोहल मीटर को डिप कीजिए सिलेंडर के अंदर, उससे चेक कर लीजिए कितना अल्कोहल उसके अंदर प्रोवाइडेड आ रहा है कितना है, ये सिंपल वे है मैं जहां तक समझता हूँ। वो जो जी दादा हाँ ठीक है देखना पड़ेगा, वो आईपीए भी करेगा कि खाली इथेनॉल करेगा गॉड नोज ना दोनों। नहीं नहीं सर वो सारे करता है अल्कोहल सारे करता है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल की मात्रा चेक करने के लिए अल्कोहल मीटर अवेलेबल रहता है। मनीष जी सर हाउ आर यू राजेंद्र जी सर C1 C2 C3 तीन तरीके के करता है वो। जी 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 राजेंद्र जायसवाल जी आए हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं। जायसवाल सर मोस्ट वेलकम जायसवाल सर। या मनीष जी डॉक्टर सुब्रतो दास जी ने एनालिटिकल एक्सपर्ट इसलिए उनसे हम आर्ग्यू नहीं करेंगे। अरे सर मैं कह रहा हूँ मतलब हमसे मजे ले रहे हैं सर आज, ये दादा मजे ले रहे हैं। डॉक्टर सुब्रतो दास इज अ बिग मैन पता है सर मुझे, दादा मजे ले रहे हैं तो हम भी मजे ले रहे हैं ना थोड़ा सा दादा से। ओके सुब्रतो दादा को सब कुछ पता है लेकिन वो मजे ले रहे हैं ना आज सर, ठीक है अच्छी बात है हमारे को टेस्ट कर रहे हैं, हम अपने को टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली इनसे बात करके। या या क्यों गौरव जी गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं नहीं ठीक बिल्कुल सही बात है सर। तभी तो मैंने बोला कि लोगों से अगर बड़े लोगों से अगर यस मिल जाता है ना तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। बस 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 इसलिए तो सर मैंने अपनी जानकारी इसलिए मैंने अपनी जानकारी बढ़ाई है। गलत बता रहे होते तो सुब्रतो दादा जरूर बता देते हमको सर, गर्दन पकड़ लेते हमारी इस तरीके से जाइए हमारी गर्दन पकड़ लेते कि गलत चीज बता के रहे पब्लिक। नहीं अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन है मैंने कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर थैंक यू दादा, अपना नंबर जरूर चैट पे दे दिएगा। सुब्रतो दादा अपना नंबर चैट में दीजिएगा प्लीज अभी चैट में ना। ठीक है देखता हूँ ठीक है। आदित्य जी बोलिए सर प्लीज। Yeah, so, मुझे पूछना था अनदर लाइसेंस दैट वी वुड प्रोबेबली रिक्वायर इज अल्कोहल लाइसेंस स्पेशली फॉर डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी जैसे अपना सॉल्वेंट लाइसेंस रहता है या एक्सपोजर लाइसेंस रहता है वैसे अल्कोहल के लिए भी लाइसेंस लगेगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? सर वो एक्साइज का लाइसेंस है और ट्रैवलिंग का लाइसेंस होता है, दो किस्म के लाइसेंस होते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस एंड एक्साइज लाइसेंस, वो अल्कोहल एथेनॉल के लिए चाहिए होगा आपको। जी और कोई क्वेश्चन है सर किसी का? That is also a constraint. या वो जरूरी है सर। चलिए आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और डॉक्टर गौरव से हमें इतनी बड़ी अच्छी जानकारी मिली। आप सबको हम लोग वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी को अगर अपने ब्रांड में सैनिटाइजर बनाना है तो वो पेन विजन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट रेट्स एंड बेस्ट चीज आपको सब कुछ हम दिलवा सके, प्रॉपर कॉम्प्लायंस के साथ दिलवा सके, प्रॉपर ड्रग लाइसेंस के अंडर सब चीजें हम आपके लिए कर सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। और आज की वेबिनार के लिए आप सबका यहाँ पर मौजूद होना वेरी वेरी थैंक्स टू यू ऑल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना समय दिया हम लोगों को। निशिकांत प्रधान सर है क्या अभी? उनका कोई क्वेश्चन एक बैलेंस रह गया था मैंने कहा वो भी एक बार। प्रधान सर है क्या आप? प्रधान सर डॉक्टर जी माय अनदर क्वेश्चन इज डॉक्टर ऑन द लाइन प्लीज। यस डॉक्टर गौरव डॉक्टर जी माय अनदर क्वेश्चन अनदर काइंड यू विच यू सेड इज नॉन अल्कोहलिक बेस वेयर यू कमेंटेड यू कैन ऐड द थिकनर like MHSC or any even rheological thickener you can add. You see, the general perception of a common man is that if woh sanitizer zyada chikna rahega hath pe zyada rahega to usko thodi dikkat hoti hai. Many people prefer the sanitizer which turant ud jave or they get a satisfaction, whether it is effective or not effective is another question. So do you think that this mineral oil based sanitizer which doesn't contain alcohol
On the contrary, it contains thickener by virtue of which it gives the thickness to your product. And it is rather difficult to उड़ जाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसलिए दे फील लाइक वॉशिंग द हैंड और वाइपिंग इट विद द हैंडकरचीफ और समथिंग लाइक दैट कैन यू कमेंट ऑन दैट यस सर फर्स्ट कमेंट मेरा ये है कि सर मिनरल ऑयल बेस्ड सैनिटाइजर्स नहीं होते हैं सैनिटाइजर्स अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स का मतलब होता है कि वाटर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स सो इवेपोरेशन रेट का तो कोई इशू है नहीं उस केस में नहीं नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर काइंड The other kind, which is not alcohol based, is based on certain mint, mint oil, and all other things we were discussing. Yes, so these are essential oils, and their percentage is very less. And when you are taking these, their percentage is 2 to 2.5% only in total formulation. So when you use that in your hand, it gives a smooth touch. It gives some antiseptic property, some emollient property on your hand. It is not required to wash your hand after applying alcohol-free hand sanitizers. First thing. Now, my question. Yes, go ahead. My sir, question was that because sanitizer का जो major component होता है ना वो पानी होता है. बाकी सारी जो चीजें हैं ना वो बहुत कम percentage में होती हैं. वो हाथों पर feel नहीं होती हैं. अच्छा, feel नहीं होती है और उड़ भी जल्दी जाती है. मतलब यू डोंट हैव टू बिल्कुल उड़ जाए ओके सर थैंक यू यू डोंट हैव टू वॉश इट थैंक यू डॉक्टर गौरव आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा से कर रहा हूं मैं और आप सबको कोई भी क्वेरी आपकी हो कुछ भी प्रॉब्लम हो कहीं भी आप सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर के लिए आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो या आपको अपने प्रोडक्ट में बनाना हो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमें बता सकते हैं आप अगर बना रहे हैं आपके पास ड्रग लाइसेंस है कॉस्मेटिक लाइसेंस है या कोई भी लाइसेंस है जो आप थर्ड पार्टी या लोन लाइसेंस की तरह से दे सकते हो इस बारे में भी आप हमें बता दें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कल दोबारा से हम लोग मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ क्योंकि सैटरडे और संडे हम दो दिन इसको करने जा रहे हैं वेबिनार को कल हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे और नेक्स्ट वीक डॉक्टर गौरव को हम फिर सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ जो डॉक्टर गौरव ने प्रिपेयर किया है इसकी भी जानकारी हम आपको बहुत जल्दी ग्रुप्स के अंदर दे देंगे थैंक्स डॉक्टर गौरव थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सो काइंड विद अस आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है एंड और भी लोग जिन्होंने अपना समय दिया थैंक यू वेरी मच सर नाउ वी आर जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग थैंक्स अ लॉट राजेंद्र जी थैंक यू सर जयसवाल सर थैंक यू सर